हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अपना ट्रैक्टर में टायर इंस्टॉलेशन करवाने आए हैं और बजट कम होने से वजह से रिसोल्डिंग टायर लगवाएंगे। और यह है अपना टायर, देख सकते हो 13/6/28 का है। आपको अप्रोच से दिखाऊं तो यह है 13/6/28 का टायर। अपने पास 12/4/28 का भी ऑप्शन था, लेकिन अपने को मोस्टली नदी वगैरह में चलाना रहता है तो उस हिसाब से हमने 13/6/28 ही प्रीफर किया, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ग्रिप मिलता है उस वजह से। तो चलिए दिखाते हैं टायर इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और इसका एवरेज लाइफ क्या होता है और वारंटी वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी भैया से बात करेंगे और आपको बताऊंगा। चलिए एक बार टायर को चेक करते हैं, कहीं से कटा वटा तो है नहीं। ये छोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा सा कट लगा हुआ है इसमें, बाकी वैसे तो ठीक ही लग रहा है। अब देखते हैं, लगाने के बाद ही पता चलेगा। इसे हमको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी देखते हैं लगाने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो आप, इस टाइप से बहुत है इधर भी, लेकिन अब देखते हैं। बात कर लिए हैं तो लगवाना पड़ेगा, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर इनसे बात करना पड़ेगा हमें। भैया अभी फाइनली जैक चढ़ा रहे हैं, उसके बाद टायर को खोला जाएगा, देन फिर आगे आपको फिर से दिखाता हूँ कैसे सेटिंग करते हैं और उसके बाद इसका रिस्पॉन्स भी चेक कराऊँगा। रिसोल्डिंग टायर लगाने के बाद अब चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इधर भैया के साथ जैक चढ़ा लिए हैं और अभी ये भैया सेंटर व्हील है उसका बोल्ट नट बोल्ट खोल रहे हैं। फिर अगर और जी एक शायद है एक जैक तो उसको लेफ्ट साइड लगा के फिर उसको भी खोलते हैं और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। लगवा के आ गए हैं और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। हम लगभग सुबह 10 बजे ही उसको गाड़ी दे दिए थे और मेरे को 4 बजे रेडी करके दिया। वैसे पिछले टायर में थोड़ा सा दिक्कत था, पंचर था और सेंटर वाला भी 2 पंचर था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी 10 बजे का गया हुआ, 4 बजे का मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। मेरे को लगता है जो भैया काम कर रहे थे वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रखते हैं इस बारे में। और कॉस्ट की बात करें तो 17,500 रुपये मुझे पड़ा, 18,500 रुपये रेट है, जिसमें से 1,000 मेरा पुराना टायर को उसने काटा। और वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी मिला है मेरे को। अगर 1 साल के अंदर चलाने में ख़राब हो जाता है तो टायर को फिर से रिसोल्ड करके देगा या फिर नया देगा। उसका रिकॉर्डिंग भी मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। और अगर मैं बताऊं तो आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए रिसोल्डिंग टायर, वो अभी मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से यूज़ किया ही नहीं हूँ रिसोल्डिंग टायर, और आज से पहले कभी भी यूज नहीं किया था, तो उस वजह से मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। यूज करने के बाद आपको बताऊंगा कि पुराना टायर मतलब रिसोल्डिंग टायर लगवाना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मेरे चैनल से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया। आप सुनिए रिकॉर्डिंग। टायर कैसा भाई? हीट हो रहा है, सुनिए ना। हाँ बोलिए ना। जो वारंटी वाले थे उसको कैसे रिटर्न में देंगे कि कैसे करेंगे? क्या चीज रिटर्न में? मतलब कहने का मतलब वारंटी 1 साल का बोले थे ना, उसको कैसे लिख के देंगे कि कैसे क्या?
अरे यार मतलब विश्वास नहीं है का? विश्वास है तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं हो कुछ नहीं हो। देखो मैं क्या बोला आपको, 1 महीने के अंदर मेरा फोन रहेगा ना हाँ वो छोड़ देगा, ठीक ना? और अगर नहीं छोड़ा 1 महीना में तो समझ लो 1 साल का दूसरा चलेगा। तो वारंटी तो है ना साल भर का। साल छोड़ने का रबड़ है, जैसे आपका रबड़ छोड़ देगा ना तो हाँ आप टायर को ले आइएगा मेरे पास, एक उसी साल के टायर अंदर। को, हाँ 1 साल के अंदर, हाँ हाँ उसी टायर को आपको भेजेंगे अंबिकापुर और बन के फिर आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक है। ना,